आप लोगों के साथ जो था ऑलरेडी शेयर्ड है लैटिक्स का फॉर्मेट भी और वर्ड का फॉर्मेट भी। तो जो हम लोग पहले शेयर किया था फॉर्मेट लैटिक्स का, उसके अंदर रेफरेंसेस नंबर, क्वेश्चंस नंबर, टेबल नंबर्स, फिगर्स नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते थे। बट जो वर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती थी, और बाज़ दफ़ा जो आप लोग फॉन्ट साइज या स्टाइल का वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता था, उसके जो चैप्टर नंबर्स हैं वो अपडेट नहीं होते थे। अब ये जो मैंने फॉर्मेट उस पर वर्किंग की है, तो हो सकता है आप लोग इस साल यूज़ करेंगे, इस टाइम में उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, आप मुझे बताएंगे, उसके बाद वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, तो आस्ता आस्ता ये जो आपका जो फॉर्मेट है 1-2 मंथ के अंदर फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फाइनल दोबारा से एक दफ़ा एक वीडियो बना के भी शेयर कर दूँगा और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा, और ये एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अब उसमें ये चीज़ें तब होंगी, इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों ने फॉलो करनी है, अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके जो भी नंबरिंग है सेक्शंस की, चैप्टर्स की, रेफरेंसेस की या क्वेश्चन नंबर की या उसका जो भी क्रॉस रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे। उसको अपडेट करने के लिए आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो यही वाली चीज़ें आप लोगों ने शेयर करनी, यूज़ करनी। जैसे सबसे पहले हम टाइटल पे आते हैं, तो पहले आप लोगों को मसला आता था वर्ड के अंदर कि हमें टाइटल लिखना तो इसका क्या फॉन्ट रखना है, तो मैंने इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़, आप स्टाइल्स के अंदर जाएंगे, स्टाइल्स के अंदर ये चीज़ें दो तरह से आएंगी आपके पास, मैं खत्म कर दूँ। एक तो ये स्टाइल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बनी पड़ी हुई हैं, उनमें से जो चीज़ें यहाँ पे हैं आपने वही वाली टिक करनी है। तो जैसे आप, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ स्टाइल, ये लिखता हूँ तो ये वाला स्टाइल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। पीएचडी क्वालिफिकेशन करेगा तो ये वाला आ जाएगा, पीएचडी रेफरेंस वाला स्टाइल। तो जो उसके बिल्ट इन दिया हुआ है कि इसके अंदर कौन सा फॉन्ट लेना है, कौन सा साइज लेना है, इसके पहले और बाद में कितनी जगह छोड़नी है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिफाइन की हुई हैं। तो जैसे ये मैंने इसको किया ना रेफरेंस स्टाइल, इसको क्या कर दिया, इसको इनिशियल कैपिटल के अंदर कर दिया। मगर जैसे इसको मैं ये करूँगा पीएचडी टाइटल पीएचडी, तो इसने ये वाला स्टाइल आ गया। तो मगर जो हम इसको ओरिजिनल में जैसे लेके आएंगे तो इसके ओरिजिनल वाला फॉर्मेट आ गया। अगर आपने चेक करना इसमें कौन से वाला स्टाइल इस टाइम हमने लगाया हुआ है, तो आप ये लगाएंगे टाइटल, इसको आप थोड़ा बड़ा करना चाहें, ये बड़ा हो गया, ये टाइटल पीएचडी टाइटल वाला इसके अंदर है। इसके अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसका जो स्टाइल वो किस तरह का होगा। अगर आपने इसको एडिट भी करना हो तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे ऑप्शंस हैं, यहाँ से नहीं होगा, ये इधर से होगा, ये वाला मॉडिफाई, इसमें कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है तो वो कैसे करनी है। तो आप लोग इसको वैसे ना कीजिएगा मॉडिफाई करेंगे तो काम ऑलरेडी जो हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक किया हुआ है। तो इसमें यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ पे इसका जो फॉन्ट होगा टाइम्स न्यू रोमन होगा, 16 साइज का होगा, बोल्ड होगा, इसकी जो अलाइनमेंट लेफ्ट एंड राइट कितनी होगी, लाइन स्पेसिंग कितनी होगी, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। इसके साथ में इसका नेक्स्ट, अगर आपने चीज़ें चेंज करनी है अलग से तो यहाँ फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ऑल कैपिटल कर दिया है। इससे क्या होगा, आप चाहे स्मॉल फॉन्ट में लिखें या बड़े स्टाइल में लिखें, ये उसको ऑटोमेटिकली कैपिटल स्टाइल के अंदर कर देगा, ठीक है। ये फॉन्ट स्टाइल हो गया। इसके अलावा अगर आपने पैराग्राफ में होता है कि आपने इससे पहले कितनी जगह छोड़नी है, जो लाइन से पहले और बाद में कितनी जगह वो स्पेस स्किप करेगा, वो यहाँ से हो जाएगी, और इसके बाद जो लाइन स्पेसिंग कितनी आएगी वो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। मगर ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें ये समझाने के लिए की हैं कि हम लोग अगर आपने खुद से मॉडिफाई करना हो तो कैसे करना है, मगर इसमें कोई भी चेंजिंग आपने नहीं करनी क्योंकि ये ऑलरेडी आपके जो फॉर्मेट के मुताबिक सारी सेटिंग की हुई है। तो जैसे इसे आगे आएंगे, ये हो गया फॉर्मेट। इसके बाद जैसे ये वाला है नेम है, इसके साथ ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये फॉर्मेट कौन से वाला है, ये फॉर्मेट इसको दिया हुआ है अपेंडिक्स वाला, ये नॉर्मल वाला, ये
ये वाला दिया है ना, और इसके साथ यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है इसका फॉन्ट क्या होगा, 12 पॉइंट है लैंग्वेज, इसको डिक्शनरी यूनाइटेड किंगडम के साथ चेक करेगा, इसकी लाइन में कितनी स्पेसिस छोड़ेगा, लाइन स्पेसिंग कितनी होगी, सारी यहाँ पे है। और आप किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर जब मॉडिफाई करेंगे ना कोई भी चीज़ तो वो पूरे थीसिस के लिए आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, सिर्फ इसके लिए नहीं होगी। जहाँ जहाँ भी हमने ये लगाया होगा ना, इसका जो स्टाइल नॉर्मल है हर जगह पे वो चीज़ चेंज कर दे। इसके बाद जैसे ये वाला हमारे पास है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, तो ये इसको मैं यहाँ पे अभी चेंज कर लेता हूँ। आपकी डिग्री का टाइटल आपका है, मास्टर ऑफ फिलासफी है, क्योंकि दोनों जो फॉर्मेट है चाहे एमफिल है पीएचडी का सेम होता है, तो जो एमफिल के लिए हो तो हम यहाँ मास्टर ऑफ फिलासफी लिख देते हैं, पीएचडी का हो तो यहाँ पे हम डॉक्टर ऑफ फिलासफी लिख देंगे। तो इसका जो फॉन्ट है ये भी अगर आप चेक करना चाहें तो स्टाइल्स के अंदर ये जो है ये भी नॉर्मल के अंदर ही है, मगर इसको कैपिटल साथ दिया होगा, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम वैसे, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग वैसे ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख लें, अगर इसको साथ में आपने उसमें लिखना है ट्रांसलेशन लिखनी तो वो भी लिख सकते हैं इसकी। अब इसके बाद डिक्लेरेशन, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा बेसिक। तो डिक्लेरेशन में आप लोग जो इसका हेडिंग है इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसका जो स्टाइल है ये पी आई टी प्रिलिमिनरीज हेडिंग, प्रिलिमिनरीज हम जो कहते हैं, जो हम जो शुरू में स्टार्ट में चीज़ें देते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन से पहले पहले या टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो या चीज़ें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, इसको हम सारी प्रिलिमिनरीज कहते हैं, जो आपके मेन वर्क से पहले सारी चीज़ें एडिंग आ रही हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम कहेंगे ना प्रिलिमिनरीज हेडिंग, तो ये उन हेडिंग्स को नंबर नहीं देगा, जैसे चैप्टर वन है चैप्टर टू है उसको भी नंबर लगेगा, अगर इसको जब टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर उसने डालना है तो ये उसकी हेडिंग नहीं लगाएगा। और इसका फॉन्ट स्टाइल अगर आपने चेक करना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस में होगा, 16 पॉइंट है, ये ऑल कैपिटल है, जो सारी चीज़ें हैं सेंटर्ड है, यानी कि इसकी जो है हेडिंग है वो सेंटर के अंदर आएगी। इस तरह जो बाकी चीज़ें सारी इसके अंदर दी हुई हैं वो आप चेक कर सकते हैं बाद में, ये आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो आपने डाटा लिखा है, ये सारा डाटा आपने लिखना है सारा नॉर्मल फॉन्ट के अंदर। आप यहाँ पे स्टाइल चेक को क्लिक करेंगे और ये नॉर्मल वाला क्लिक कर देंगे तो ये उसको उसके अकॉर्डिंग कर देगा। इसमें इसको ऑलरेडी नॉर्मल था, उसे नॉर्मल खत्म कर दिया आपको। तो इस नॉर्मल के अंदर की क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हमारे पास 12 साइज है, ये इसका मतलब होता है लेफ्ट लाइन, अगर इसको क्लिक करेंगे तो सब कुछ इस लाइन हो जाएगा, ये लेफ्ट लाइन हो जाएगा, इससे सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, और इस वाले से बोथ साइड अलाइन हो जाएंगे, यानी दोनों साइड से मार्जिन आपका अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है उसको बोथ साइड अलाइन करना है, जो ऑलरेडी किया हुआ है इसको आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी, ठीक है। और इसी के बाद जो आपने ये वाला, ये भी नॉर्मल फॉन्ट के अंदर आएगा, मगर ये सारा जो है राइट साइड अलाइन होगा, लेफ्ट अलाइन नहीं, तो बिल्कुल साइड इधर साइड पे जाएगा। इसके बाद ये वाला जो हेडिंग, ये भी ऐसे ही आएंगे, इसको भी अगर आपने क्लिक करना है तो आपका वही वाला जो हेडिंग पहले हमने दिया था पीएचडी हेडिंग, ये वाला जो हेडिंग है आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर नहीं आएंगे। और इसको पेज को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं उनके नेम, जो सुपरवाइजर कमेटी के मेंबर हैं उनको आप लोग अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद ये डेडिकेशन है, ये आप लोग जिस मर्जी फॉन्ट में लिखें इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद कीवर्ड्स का भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो अगर आप कीवर्ड्स लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो ये
आप जो पेज है रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, ये इसकी ऑटोमेटिकली इसके अंदर बन जाएगी। इसको मैंने ब्लू कलर के अंदर कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा उसे पीडीएफ बने तो अलग से शो हो आपको। तो इसको अपडेट अपडेट करने के लिए आप लोगों ने इसको प्रेस करना है F9। F9 करेंगे तो ये सारी जो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट है, जो भी आपने लिखा हुआ है, उसके लेटेस्ट पेज नंबर के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। लेट्स सपोज हमने कोई नया हेडिंग लिखा है, जो हेडिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे डिक्लेरेशन है यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ डिक्लेरेशन की जगह पे। इसके साथ कुछ और डाटा ऐड कर देता हूँ, ये लिख दिया। इसके बाद मैंने इसको सेव किया। और इसके बाद जो मैं इसको F9 इसको अपडेट करूँगा, तो यहाँ भी जो वहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग दी थी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रिटर्न वही वाला कर देता हूँ जो पहले था, और इसको सेव भी कर देता हूँ। जो टेबल ऑफ कंटेंट आ गई, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें न्यू चीज़ ऐड की है, लिस्ट ऑफ फिगर्स। जो जो फिगर्स भी आपने यहाँ पे इसके अंदर डालनी है, उसकी जो फिगर्स की है लिस्ट है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगी। सेम इसी तरह से जो लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, अगर आपने कोई भी टेबल डाला है आपने थीसिस के अंदर, तो उसकी जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगी, और साथ में उसके जो पेज नंबर्स हैं वो भी साथ में नंबर्स भी आ जाएंगे, उनकी कैप्शन भी आ जाएगी, और साथ में उनके पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद है लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन है, कुछ जैसे अप्लाइड वाले हैं उनके वाले में लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन आ जाती है, कुछ जो हैं वर्क में नहीं होती। अगर तो आपकी लिस्ट आपके पास एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसको लिख दें, अदरवाइज ये जो पेज है इसको आप लोग डिलीट कर। ठीक है, एब्रीवेशन है जैसे आप लोगों ने यूज़ करना है, ODs है, बार बार यूज़ कर रहे हैं तो शुरू में लिख देंगे ODs mean ordinary differential equation, PDs mean partial differential equation है। जैसे आप लोगों ने यूज़ करना है यो टर्म है, जैसे सेकेंड ग्रेड फ्लूड है, आप इसको लिखना चाहते हैं SGF, तो आप इसको शॉर्ट टर्म में एब्रीवेशन दे सकते हैं। या कोई भी और फ्लूड है जिसको शॉर्टकट में हम लोग लिखना चाह रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट है में है, इसमें भी आप लोगों को पता है कि आप जो भी किसी को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, आपके थीसिस लिखने में या आपके किसी ने हेल्प की है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका भी जो आपके पास जो है हेडिंग है वो वही वाली आएगी, प्रिलिमिनरीज वाली। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग भी आपने ये वही वाली देनी है जो ऑलरेडी है। ये वाली हेडिंग चूज करेंगे तो इसका नंबर नहीं लगेगा, अदरवाइज जो बाकी हेडिंग चूज करेंगे उनके नंबर्स लगेंगे जब आप दूसरे वाले चूज करेंगे तो। इससे नेक्स्ट है हमारे पास, ये आप लोगों का स्टार्ट हो गया चैप्टर 1। अब इसको हम लोग करना चाह रहे हैं, नंबरिंग में लाना चाह रहे हैं आगे उधर। इंट्रोडक्शन, ये स्पेलिंग ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके आपने इसको कौन सी हेडिंग देनी है, ये आप देंगे, ये जो है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी, ये वाली हेडिंग देंगे। इसको मैंने यही वाला नाम दिया हुआ है, तो इसको अगर यहाँ से देखना है आपने तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, तो आपने यहीं से इसको देना है PhD अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, और जो ये वाला जो है आपके पास चैप्टर 1 है, इसको आप लोग हेडिंग देंगे चैप्टर 1 हेडिंग 1। ठीक है, इसके बाद जैसे आप किसी भी चीज़ को आप देंगे उसको ऑटोमेटिकली आगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऑटोमेटिकली नंबर लगते जाएंगे, तो इसको आपने यही वाली हेडिंग देनी है चैप्टर 1।
इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कोई भी आपने फिगर डालनी है उसको ऑटोमेटिकली नंबर लगता है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कोई भी फिगर है उसकी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन, आप यहाँ पे लिख देंगे फिगर जो भी है, आप यहाँ कहाँ पे शो करना है, बिलो या अबव, वो क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे पूछेगा नंबरिंग किस तरह से देनी है आपने, तो हम नंबरिंग उसमें चैप्टर नंबर इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी जो आप इस ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर इंक्लूड होंगे, यानी फिगर 1.1 मीन चैप्टर 1 की फर्स्ट फिगर है। चैप्टर अगर लिखा फिगर नंबर 3.16 है मीन चैप्टर 3 की फिगर नंबर 16, इस तरह से इसके नंबर लग जाएंगे। ऊपर फॉर्मेट है इसको, आप नंबर 1, 2, 3 देना चाह रहे हैं ABC, मगर हमारे जो थीसिस स्टाइल है उसके अंदर हम लोग इसको जो है अरेबिक नंबर जो है नंबर्स 1, 2, 3 इसी से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ, द फ्लूड फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूड। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया थोड़ा सा, और इसके बाद मैं ये लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं F9 प्रेस किया, तो यहाँ पे इसका जो है कैप्शन है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके नंबर जो आप कोई भी फिगर डालेंगे उसके नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ये तो सी कर लेता हूँ और एक न्यू फिगर मैं यहाँ पे डाल कहता हूँ, मैंने यहाँ पे फिगर ऐड करनी है, इसको पेस्ट किया, इंसर्ट कैप्शन, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखना चाह रहा हूँ मैं लिख देता हूँ, इसको सेव करेंगे। और यहाँ पे इसको जो आप लोगों ने फॉन्ट देना है वो स्काई, वो आप लोग इसको कैप्शन देंगे PhD फिगर कैप्शन, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक ये सेट कर देगा। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, ये इसको उसके मुताबिक सेट कर देगा। इसको साथ में एक और चीज भी कर देता हूँ, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ये सेंटर नहीं सेंट्रलाइज्ड है। और इसके साथ ही जब हम इसको सेव करेंगे तो उसकी जो फिगर्स हैं ऊपर है वो ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी आप आपने आके F9 प्रेस करना, पहले फिगर 3 थी या 4 हो गई है, और जो लास्ट वाली फिगर है उसका नंबर भी 1.3 से आगे ऑटोमेटिकली 1.4 हो गया। ठीक है, सेम चीजें टेबल के साथ भी होंगी और सेम चीजें इक्वेशंस के साथ भी। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसको जब हम क्रॉस रेफरेंस करना है, क्रॉस रेफ कैसे करेंगे, जैसे ये वाली मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने
फिगर 1.3 दी थी उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे एज शोन इन शोन इन। इसके बाद हम आ जाएंगे रेफरेंसेस क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे आएंगे हम लोग फिगर। अब यहाँ पे बता रहा है कौन कौन से फिगर्स यहाँ पे हैं, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डार्क कैप्शन देनी है, नंबर देने हैं या लेबल देना है, तो मैं उसे बता देता हूँ यहाँ पे सिर्फ आपने लेबल और नंबर देना है। इंसर्ट तो उसका ऑटोमेटिकली जो नंबर था वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 1.4 ऑटोमेटिकली लिखा जाए। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये 1.4 पे 1.4 पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। यानी फिगर्स क्रॉस रेफ हो जाएंगे, आप जो भी आप यहाँ पे कमांड दे रहे हैं उसको प्रेस करेंगे तो जिस जगह पे आपकी फिगर या टेबल है ऑटोमेटिकली उस जगह पे वो चला जाएगा, ठीक है। एक चीज आपने और चेंज करनी है बाद में, जैसे मैंने इसको फिगर 1.4 लिखा है, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है ताकि थोड़ा सा इसका लिंक बन जाए, तो आप इसको कैप्शन दे दें साथ में होम स्टाइल, यहां पे मैंने दिया होगा हाइपर लिंक वाला है। स्टाइल फॉर क्रॉस में इसको कर देंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये फिगर पर चला जाएगा। और जब पीडीएफ जनरेट करेंगे तो पीडीएफ भी ऐसे जनरेट होगी, आप क्लिक करेंगे तो जो उसके कनेक्शन है वो साथ चलते रहेंगे। समझ आ गए यहाँ तक? तो यही चीज आप लोगों ने करनी है। अगर आपने टेबल्स ऐड करने हैं, टेबल्स यहाँ पे कोई ऐड टेबल फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, हम टेबल खुद ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल, ये टेबल हमने ऐड कर दिया। ये टेबल आ गया, ठीक है। इसमें लास्ट अब इसका हम लोगों ने कैप्शन ऐड करना है तो इस टेबल के ऊपर ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर अगेन आपके पास आ जाएगा इंसर्ट इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इसमें आप इसको चेंज करेंगे टेबल फिगर की बजाय इसको आप टेबल कर देंगे। और इसके बाद इसको टेबल का कैप्शन हम यूजली ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इसको ऊपर लिखना है। नंबरिंग किस तरह से देनी है वो भी नंबरिंग चैप्टर के साथ देनी है, तो इसको हम मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके ओके, तो ये आ गया। इसके साथ हम जो भी लिखना चाहें साथ में लिख देते हैं। इसको सेव किया तो सेम आपका जो यहाँ पे है शुरू में, अगर लिस्ट ऑफ टेबल्स है इसको F9 प्रेस करें, ये जो हमने टेबल ऐड किया था उसका लिस्ट में भी आ गया और उसके साथ उसकी कैप्शन भी आ गई, ठीक है। इसी तरह से टेबल को क्रॉस रेफ करना है कि आप किसी भी जगह पे टेबल को आपने बताया कि ये डेटा आप लोग इस टेबल से देख लें, तो आप लोग क्या करेंगे जिस तरह हमने फिगर को ऐड किया है इस तरह टेबल को ऐड कर लेंगे। जैसे मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ इस जगह पे एस गिवन इन, इसके बाद आप जो लोग जाएंगे रेफरेंसेस क्रॉस रेफरेंस, इसको हमने ऐड करना है टेबल को, टेबल एक ही है ये वाला,
इसका हम लोगों ने सिर्फ लेबल और नंबर करना है, इंसर्ट क्लोज। इसके बाद जो 3.1 है इसको हमने फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करने के लिए हम होम स्टाइल्स और यहाँ पे था स्टाइल फॉर क्रॉस रेफ, इसको क्लिक करेंगे ओके, इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे उस टेबल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं समझ आ गई हैं, मुश्किल तो नहीं है कोई, तो इसकी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर कोई मुश्किल हुई तो फिर आप लोग बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। चैप्टर्स हो गए, फिगर्स हो गई, टेबल्स हो गए और मेन हेडिंग चैप्टर्स के वो कैसे देने। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके सेक्शंस। जैसे ये वाला सेक्शन है तो इसको आप लोगों ने जो हेडिंग देना है वो देना है 1.1 हेडिंग की, इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है हेडिंग 2। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे एक और हेडिंग देना चाह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे देना चाह रहा हूँ एक नया हेडिंग, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ डेटा एनालिसिस, ठीक है। और इसको मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर भी आ जाए और इसको ये वाला हेडिंग वाला नंबर भी लग जाए, तो इसको मैंने यहाँ पे हेडिंग 1, ये 3.3 डेटा एनालिसिस का हेडिंग लग गया, नंबर भी ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं उधर अपनी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, वहाँ भी आ गया कि नहीं। इसको पहले आप लोगों ने अपडेट करना है, तो मैंने ऐड किया था 3.3 डाटा एनालिसिस, ये जो हेडिंग है वहाँ पे ऐड हो गया और इस जगह पे भी ऐड हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे ना कंट्रोल डाटा एनालिसिस, तो आपका कंट्रोल है वो उस हेडिंग पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद ये आ गई मेन हेडिंग, इसके बाद होती है सब हेडिंग, जैसे यहाँ पे दी हुई है, जैसे मेथडोलॉजी 3.1.1 यानी एक हेडिंग के सब हेडिंग, उसको आप लोग कैसे करेंगे, इसको आप लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद इसको आप स्टाइल देंगे हेडिंग 2 वाला, हेडिंग 2 और ये 1.1 हेडिंग 3, ठीक है 1.1.1 हेडिंग 3, तो ये ऑटोमेटिकली इसका ये बन जाएगा। अगर हमने साथ में यहाँ पे कोई और ऐड करना है, मैं इसको चेक कर देता हूँ, एनालिसिस इसको मैं कहता हूँ कि मैंने सब हेडिंग देना है, तो इसको भी मैं हेडिंग 3 1.1.1 को वाला दे देता हूँ ये बात, तो ये 3.1.2 और जो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको लेटेक्स की तरह की जो चीज़ें हैं इसमें भी मिल जाएंगी वर्ड के अंदर, मगर इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इसकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक मैंने ढूंढ कैसे अपडेट करनी है वो ढूंढ ली हैं, तो कुछ जो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये चीज़ अपडेट नहीं हुई आप लोग मुझे बताएंगे, तो उसको भी फिर उसके मुताबिक मैं इसको अपडेट कर दूंगा। एक चीज़ ये हो गई, इसके बाद नेक्स्ट था इक्वेशंस। जब इक्वेशंस को ऐड करने के जो ऑटोमेटिकली नंबर का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आम की वैसे नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक टेबल की फॉर्म में इसको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे टेबल को मैंने हाइड किया हुआ है, एक्चुअली ये एक टेबल है, इसको अगर मैं इसकी सारी रोज यहाँ पे शो कर दूँ ये इस तरह से दिया हुआ है, तो जब आप लोगों ने इसको शो क्वेश्चंस लिखनी है तो एज इट इज़ एक क्वेश्चन कॉपी कर लें, जैसे ये वाली है इसको एज इट इज़ कॉपी किया, मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कंट्रोल वी ऐड, तो इसको मैं F9 करूँगा तो
ठीक है, ये उस तरह से मैंने लिखा है तो उसने इसको चेंज कर दिया उसको। यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये 2.2 नंबर है मगर इसका नंबर ठीक नहीं आ रहा। क्वेश्चन को आपने यहाँ पे एडिट करना है, आप इसको एज इट इज जैसे भी एडिट करना है एडिट कर लें। ये अभी ओपन हो जाती है ये क्वेश्चन, कुछ भी इसमें आपने डिलीट करना है, साथ में कोई एक टर्म ऐड कर देते हैं। ये क्लोज कर दी। अब इसका नंबर अपडेट नहीं हुआ, इसका नंबर 2.2 है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए के बाद F9 प्रेस करेंगे, तो उसको कुछ टाइम लेगा ये। तो इसका नंबर उसने ऑटोमेटिकली 2.5 कर दिया। ये आपको जब इस तरह से क्वेश्चन नंबर अपडेट करने पड़ेंगे करेंगे ना, उसके लिए आपको जो है कम से कम 4 to 5 टाइम, एक दफ़ा वो टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट करेगा, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस के नंबर अबव वाले अपडेट करेगा। इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। इसके बाद अगली चीज़ रह गई, इसमें क्वेश्चंस को कैसे क्रॉस रेफ करना है। तो इसके लिए भी ऐसे होगा, आप लोग जैसे लिखते हैं कि एज वी सी इन क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं इन रेफरेंसेस क्रॉस रेफ, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन से वाली है, 2.5 है, ओनली लेबल एंड नंबर इंसर्ट, तो यहाँ पे वो 2.5 आ गया। अब इसके राउंड आपने ब्रैकेट डालनी है, तो ब्रैकेट डाल दें। और इसके बाद अब इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर दें थोड़ा सा, 2.5 और इसका जो स्टाइल हम लोग कर देंगे अब यहाँ भी। इस पे हम जब क्लिक करेंगे इस पे, तो हम ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन 2.5 पे चलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट एक और लेक्चर रख लेंगे जिसके अंदर रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं और किस तरह से उसके ऑटोमेटिकली नंबर भी लगते जाएँ और उसके हर जो क्रॉस रेफरेंस है वो किस तरह से हैं। अब इससे आप लोग जो PDF जनरेट करेंगे ना, वो भी ऐसे ही जनरेट हो जाएगी। सेव एज, इसको आप करेंगे PDF, मोर ऑप्शंस, अब यहाँ भी वैसे चैप्टर 4 पर क्लिक करेंगे ना,
ऑटोमेटिकली चैप्टर फोर पे आ जाएगा। तो इसके साथ जैसे इसके जो कितने बुक मार्क हमने बनाए हैं, जैसे लेटेक्स में बनते हैं ना साइड पे सारे बन जाते हैं, जिस जगह पे आपने जाना हो चैप्टर वन 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 पे चले जाएंगे, रिजल्ट पे जाना रिजल्ट पे चले जाएंगे, इसके अंदर टॉपिक 2.1 पे जाना है तो वहाँ पे जाएंगे, यानी बिल्कुल आपका लेटेक्स से इक्विलेंट फॉर्मेट यहाँ पे आपका आ जाएगा। वैसे ही पीडीएफ जनरेट होगी इसके ऑटोमेटिक हाइपर लिंक्स क्रॉस रेफ के साथ। ठीक है, आज का हमारा इतना ही लेक्चर है, तो बाकी हम लोग फिर